Welcome to a special Tabadlab program that we're doing on the coronavirus. We have Mosharraf Zaidi with us and a special guest. He's someone who's developed a very strong national profile based on what he's done in his province. It is work that's shown thought leadership on the issue of coronavirus, preparedness, and dealing in a way that has had implications for other people to take notice and follow as well. So we've got with us Taimur Khan Jhagra, who's the Minister of Health for Khyber, Pakhtunkhwa. Thank you for coming on the program today. Taimur, pehle sawal ye ke aapne haal hi mein ye ohda liya, to kya aap samajhte hain ke aap is crisis ke liye prepared hai? Ke aapne abhi join kiya hai, kya aap samajhte hain ke ye jo learning, ye jo trial by fire ho raha hai, किस हद तक आप अब कंफर्टेबल है इस ओहदे में? पहली चीज ये कि मेरे ख्याल में दुनिया में कोई भी इस क्राइसिस के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था. दुनिया ही प्रिपेयर्ड नहीं थी. शायद इसका मुआजना 1918 में जो स्पेनिश फ्लू का एपिडेमिक पैंडेमिक चला था उसी से हो सकता है. और जिस तरीके की हमने दुनिया बनाई थी उसमें हम ये अस्यूम कर रहे थे कि इस टाइप का क्राइसिस आ ही नहीं सकता, कम से कम मेरी ज़िंदगी में तो नहीं आया. दूसरा जो सवाल है कि आया हम प्रिपेयर्ड हैं या मैं ज़ाती तौर पे प्रिपेयर्ड हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा. अगर ये एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इतना बड़ा चैलेंज है. हम देख रहे हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, इटली में क्या हो रहा है, स्पेन में क्या हो रहा है, न्यूयॉर्क में क्या हो रहा है, यूके में क्या हो रहा है. मेरे ख्याल में हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास 3-4 हफ्ते इन ममालिक या इन एरियाज़ के नस्बत रहे हैं, और किसी तरीके से हमने वो 3-4 हफ्ते जो हमारे पास लीड टाइम है वो इस्तेमाल करना है. और अगर हम ये यकीन ना रखें कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें कुछ कर सकते हैं, तो फिर जो भी हमारी पोटेंशियल है उससे हम कम अचीव करेंगे. तैमूर, इसमें एक जो सवाल मेरे जहन में है और मेरे जहन में एक थियोरी भी है, एक जवाब भी है, लेकिन मैं आपका जवाब सुनना चाह रहा हूँ. ये जो 3-4 हफ्ते का लीड टाइम जिसकी आप बात करें, ये कहाँ से आया? मतलब ये ईरान में तो लीड टाइम नहीं मिला. ईरान में तो इट एक्सप्लोडेड एंड यू नो इट. आई थिंक ईरान में इंफॉर्मेशन अब सप्रेस हो गई, बट आई डाउट कि वो नंबर्स अब सप्रेस हो सकेंगे. इटली में इंफॉर्मेशन सप्रेस नहीं हो सकती थी. इंग्लिश इटली में मतलब धमाका खेज वो फैला. बरतानिया में तो एक अजीब सी मतलब एक थियरी जो है शुरू में राउंड्स कर रही थी अबाउट हर्ड इम्यूनिटी. उसके बावजूद जो स्टोरीज हम सुन रहे हैं बरतानिया से, आई मीन देयर हार्ट ब्रेकिंग. और न्यूयॉर्क का जो हाल हमने देखा है पिछले मेरा ख्याल है 8-10 दिन में जो वहाँ पे हुआ है, 3,000 is it correct 3,000 अमवात शायद सिर्फ न्यूयॉर्क में हो चुके हैं, 4,000 तकरीबन. मतलब दैट्स दोस अनबिलीवेबल नंबर्स. ये जो आप 3-4 हफ्ते जो पाकिस्तान में बात कर रहे हैं, ये वेयर डिड दिस टाइम कम फ्रॉम? ये आई थिंक ईरान की एक एबरेशन थी. एबरेशन इन द सेंस के आप कह सकते हैं बदकिस्मती एक लिहाज से. अगर आप देखें 1918 की पैंडेमिक को देखें, तो वो फैली थी इसलिए क्योंकि वो पहले जंग अजीम में यूरोप में शुरू हुई थी, और चूंकि वहाँ पे पूरी दुनिया की अफवाज, इंडिया से भी लोग थे, अफ्रीका से भी, जब वो वापस अपने ममालिक में गए तो अपने साथ वो स्पेनिश फ्लू को लेके गए. 2020 की जो दुनिया थी वहाँ तो दुनिया का एक कोना दूसरे कोने के साथ इंटरनेशनल ट्रैवल के थ्रू, जहाज़ों के थ्रू कनेक्टेड था. जो सफ़र महीनों में होता था वो चंद घंटों में होता था. जो ग्लोबल एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि ये वो क्राइसिस है शायद जिसका फैलना भी ऑलमोस्ट इनेविटेबल था, और ये वो पहली बार है जब ह्यूमैनिटी या इंसानियत एक ऐसे क्राइसिस का मुकाबला भी कर सकती है अगर हम एक्चुअली मुकाबला करने की कोशिश करें. पाकिस्तान के पास टाइम क्यों आया? वो शायद जो हमारी कमज़ोरियां हैं उनकी वजह से ही, क्योंकि अगर आप देखें, अगर इस वायरस का फैलाव चीन से बाकी दुनिया में
correlated hoga duniya ki connectivity se. Pakistan un chand mamalik mein se hai jahan abhi bhi hamari duniya se connectivity kam hai. Pakistan se flights agar aap dekhe Middle East ko jati hai, ek aad flight jo hai wo Thailand Bangkok ko jati hai, ek aad flight Europe ko jati hai. Main 10 saal Dubai mein guzare hain jahan pe takriban 8 crore log saal ke sirf Dubai airport ko istemal karte hain. To shayad is wajah se ke hum duniya se kam connected hain, hamare paas virus thoda aahista aaya aur is wajah se jo baki duniya mein ho raha hai aur agar hum apne preparatory steps pehle na le to aap hum us position mein hain jahan pe hum dekh sakte hain कि गलत फैसलों के साथ चार हफ्ते बाद क्या होगा और बाकी दुनिया के फैसले देख के हम कोर्स करेक्शन कर सकते हैं. तो इसमें दो चीज़ें जो मैं और हमारी इस पे पहले गुफ्तगू हुई थी और मैं आपकी याद दहानी करूं कि हमने जो बात की थी उसमें जो चीन से आने वाले मुसाफिरों का ख़ास तौर पे वुहान में जो स्टूडेंट्स थे हमारे उनका जो उन पर जो रोकथाम थी और जो ईरान पाकिस्तान बॉर्डर पे भी जो क्वारंटीन फैसिलिटी अब वो फैसिलिटीज़ किस नौयत की थी उसमें ख़राबी थी उसमें वो बेहतर हो सकती थी वो फाइव स्टार नहीं थी वो एक अलग डिबेट है. लेकिन ये दो बड़े मुझे लगता है बड़े अहम फैसले थे और ये आई थिंक हमारा जो जो कर्व का पहले शुरू का स्लोप है उसको ऑब्जेक्टिव ये था कि इसको फ्लैटन करना है. तो फ्लैटन हुआ या नहीं हुआ लेकिन सर्टनली उसका स्लोप जो है वो ज़्यादा ग्रेजुएट इन दो चीज़ों की वजह से शायद हुआ. लेकिन इसके बाद जो बड़ा इन्फ्लेक्शन पॉइंट है डिबेट में वो है रेट ऑफ टेस्टिंग. और मुझे पता है कि इस पे सारी हुकूमतों पे प्रेशर है सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा पे नहीं इवन सिंध में कह रहे हैं बल्कि एक एटलीस्ट मेरे लिए थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग एक जो नैरेटिव बन गया अब फसी कि पंजाब ने कितने टेस्ट किए हैं प्राइवेट टेस्ट काउंट होने चाहिए नहीं होने चाहिए किसने ज़्यादा किए हैं मतलब ये एक ऑलमोस्ट रेस लग रही है. एज समबडी हु इज़ डायरेक्टली अफेक्टेड बाय दिस डिबेट आपका टेस्ट पे क्या व्यू है कि क्या वाकई पाकिस्तान उस तरह की टेस्टिंग कर सकता है वो जो टेड्रोस साहब ने कहा था जो WHO के बानी अपना डायरेक्टर जनरल या हमें कुछ मुख्तलिफ स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी और क्या हम ऑलरेडी उस स्ट्रेटजी की रिफ्लेक्शन देख रहे हैं. टेस्टिंग पे आने से पहले जो आपने पहले का जो हमने वुहान से जो स्टूडेंट्स थे जो वहाँ पे रोके उससे एक चीज़ ज़रूर जो है वो साबित होती है. दो तीन प्रिंसिपल्स हैं क्राइसिस में ऑपरेट करने के और एक क्राइसिस में कम्युनिकेट करने के. यार में कम्युनिकेशन में ट्रांसपेरेंसी चाहिए डिसीजन मेकिंग में तेज़ी चाहिए और कोऑर्डिनेशन में जो है एफिशिएंसी चाहिए राइट. चौथी चीज़ शायद जो मैं कहूँ कि एक क्राइसिस में अगर आप ये तीन चीज़ें करें परफेक्शन तब भी नहीं होगी गलतियाँ होंगी. गलतियों को आपने एब्जॉर्ब करना है छोड़ना है आगे बढ़ना है क्योंकि टाइम आपके पास नहीं है. प्रेशर एब्जॉर्ब करना है पांचवी चीज़. तो शायद ये पांच चीज़ें जो और आखिरी चीज़ जो मैंने कही जो प्रेशर एब्जॉर्ब करना सही फैसले के लिए. आपको याद होगा कि जब वुहान के स्टूडेंट्स चाइना में थे कितनी तनकीद हुई थी कि उनको वापस पाकिस्तान लाना चाहिए वो ना ला के हमारे पास चार आठ हफ्तों का टाइम जो है वो शायद आया वो वायरस कम से कम चाइना से नहीं इन्फिल्ट्रेट किया. अभी भी कंटिन्यूसली क्योंकि ये क्राइसिस एक ऐसे टाइम में हो रहा है जहाँ पे मीडिया का अपना एक माहौल होता है सोशल मीडिया का अपना एक माहौल होता है स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स का अपना एक माहौल होता है सबसे हट के होना पड़ता है. टेस्टिंग कैपेसिटी जो हमारी बनी थी वो आज के लिए कम है. लेकिन ये अगर तनकीद की बात भी होती जो मेरे ख्याल में नहीं है क्योंकि पूरी दुनिया में कम थी अमेरिका में आज तक कम यूके में आज तक कम थी राइट. तो ये वो गलतियां हैं जो पूरी दुनिया ने एक साथ बनाई है. लेकिन अगर ये गलती होती भी तो ये टाइम तनकीद करने का नहीं है ये टाइम है एक इन्फॉर्म्ड डिबेट का
और आई होप कि जो हम बैठे हुए हैं कि हम लोगों तक वो एक व्यू आराम से पहुंचा सके जिससे शायद उनकी थिंकिंग थोड़ी क्लियर हो, राइट? बिकॉज हम एक ऐसे माहौल में यहाँ पे डिसीजंस नहीं करना चाहते जहाँ पे हम डिसीजंस कर रहे हैं अंडर द रॉन्ग काइंड ऑफ प्रेशर, क्योंकि उन डिसीजंस का फिर जो नतीजा है वो सबको दो हफ्तों में चार हफ्तों में भुगतना पड़ेगा. हमने लोगों को एम्पावर करना है कि वो प्रेशर भी एब्जॉर्ब करें, डिसीजंस भी लें. टेस्टिंग पे आते हैं, टेस्टिंग हमने करनी है, ज़्यादा करनी है, लेकिन टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आपको मशीनरी चाहिए जो दुनिया से मंगवानी है, कुछ है उसके साथ सेफ्टी इंश्योर करनी है, उसके साथ लोगों की ट्रेनिंग इंश्योर करनी है, उसके साथ टेस्टिंग किट्स इंश्योर करनी है, और एक चीज़ होती है यूटीएम्स जिसमें वो टेस्ट लेके लेबोरेटरी तक लिया जाता है. वो सारी चीज़ें साथ में इंश्योर होंगी तो टेस्टिंग ज़्यादा होगी. नॉर्मली ये काम साल में भी पाकिस्तान में ना होता, आई एम श्योर के चारों सूबों में हफ्तों में हो जाएगा. लेकिन एट दिस पॉइंट जबकि वो होगा, मीडिया को, आप लोगों को, लोगों को रीअश्योर करना चाहिए, तसल्ली देनी चाहिए कि ये होगा, ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, अगर ऐसे ना हो तो कॉन्सिक्वेंसेस सोचें. अगर टेस्टिंग सही ना हो और आपके पास रिजल्ट्स गलत आए, अगर लैब्स में सेफ्टी ना हो और वही लैब्स जो हैं वो इन्फेक्शन का बायस बन जाए, तो फिर बाद में वही लोग जो हैं वो उंगली उठाएंगे कि ये देखें इनको टाइम लगाना चाहिए था. दिस इज़ द सॉर्ट ऑफ प्रेशर दैट पीपल राइट नाउ आर वर्किंग अंडर. और जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं हमारे, वो 24 घंटे काम कर रहे हैं क्योंकि उनकी बैकअप भी हमने लानी है, राइट? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपने टेस्टिंग की बात की कि ये सारे जो नुएंसेस या बारीक नुक्ते वो हम रिकग्नाइज करें. और मुझे नहीं, लेकिन वो लोग जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं उनकी थोड़ी सी कंसिडरेशन हो. ये तनकीद करने या ना करने पे मेरी और फसी की आज डिस्कशन भी हो रही थी. आर यू इन एग्रीमेंट फसी की ये तनकीद टाइम नहीं? आई मीन आई थिंक यू एंड आई आर स्लाइटली ऑन डिफरेंट. हाँ, वी आर ऑन डिफरेंट. हाँ, नहीं, मैं समझता हूँ कि तनकीद तो इस प्रोसेस में होगी एंड होनी चाहिए, बिकॉज इट विल ऑल्सो हेल्प you know, policy makers, because जब वो आए, what I do agree is कि जो partisan या hyper emotional या ill informed तनकीद जो है, that doesn't help anyone. मेरे ख्याल में जो what I would say is कि जो the bar for responsibility is higher. That I agree with. वो हम पे भी ज़्यादा है, वो आवाम पे भी ज़्यादा है, वो ओपिनियन मेकर्स पे भी ज़्यादा है कि अगर हम एक चीज़ को चेक ना करें और उसे फ्लोट करें, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो आम हालात में कुछ और होती है, यहाँ पे कुछ और है. अच्छा, एक टेक्निकल सवाल. अब रिसेंटली मैं प्रेस भी देख रहा था, वहाँ उस पर गुफ्तगू हो रही थी कि जो फर्टेलिटी रेट है वो केपी में हायर है ऑफ कन्फर्म्ड केसेस, और एक लिहाज से हम ये भी अंदाज़ा लगा रहे हैं कि जो डायग्नोस्ड केसेस हैं ऐसे कई गुना ज़्यादा होंगे. तो जो और डेथ्स हो रही हैं जो ना डायग्नोस्ड हो, या उस पर उसका कोई तरीका है कि पोस्ट डेथ कोई एवेल्यूएशन हो या कोई अंदाज़ा लग जाए कि शायद ये वो था, कि हमें एक अंदाज़ा लग जाए कि, या ये हम नहीं इन्वॉल्व कर रहे इस सिस्टम में? हमारे जी मेरे ख्याल में 3 या 4 केसेस 14 में से ऐसे हैं जो पोस्ट डेथ डायग्नोज हुए. देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि जो मैं अभी कह रहा था उसी को फर्दर रीइंफोर्स करता है. अगर मैंने पहले दिन से इस पे एक सिंपल सी पॉलिसी बनाई है कि जो मुझे पता है वो मीडिया को, पब्लिक को पता होना चाहिए, क्योंकि एट दिस पॉइंट कोई चीज़ छुपा के मेरा फ़ायदा नहीं हो सकता. नुकसान ये ज़रूर हो सकता है कि लोग ये सोचें कि अगर गवर्नमेंट कोई चीज़ छुपा रही है तो उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो एक्चुअली कम हो या ख़त्म हो. हमें कोई नहीं पता कि केपी में, पख्तूनख्वा में मोर्टेलिटी रेट
जो है लोगों के मरने का जो रेट है वो ज़्यादा है या कम है? क्योंकि जब हम सब मानते हैं कि टेस्टिंग पाकिस्तान में कहीं भी उस मकदार से नहीं हो रही जो कि होनी चाहिए, हमें सिर्फ ये पता है कि कौन से सूबे में कितने लोग मरे। हो सकता है एक आध केस किसी भी सूबे में जो है वो ना पिकअप हुआ हो, लेकिन वो बेस इतना छोटा है कि इस पे वन वे और द अदर कोई ना कोई नतीजे पे पहुंचना इज इरेलेवेंट। ख़ास तौर पे इसलिए जो हमें पता है कि ज़्यादातर डेथ्स होती है जब लोगों को तकलीफ़ होती है, या फॉर एग्जांपल ज़्यादातर लोगों की डेथ होती है रेस्पिरेटरी इलनेस से, उनको वेंटिलेटर पे जाना पड़ता है। और जो ग्लोबल एक्सपीरियंस है उसमें ये होता है कि चूंकि इन्फेक्शन इतना जल्दी फैलता है, हालांकि सिर्फ 5% लोग जो हैं वो क्रिटिकल केयर में जाते हैं जहाँ पे अस्पताल में उनको वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वो 5% ही इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि दुनिया का कोई भी सिस्टम, अमेरिका को ले लें, बरतानिया को ले लें, इटली को ले लें, वो उसके पास इतनी हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी नहीं होती कि उनको ले लें। हमारा तो वो पॉइंट ही नहीं आया। तो जो डेथ्स हुई है वो इन अ वे उन्हीं लोगों की हुई है जिनकी कोई अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस थी। वेंटिलेटर्स की कमी फ़िलहाल तो पाकिस्तान में नहीं है। तो इसमें मेरे ख्याल में आप कह नहीं सकते कि कौन से सूबे में डेथ रेट ज़्यादा है, कौन से सूबे में डेथ रेट कम है, और शायद इस वक्त कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन जो अनइन्फॉर्म्ड डिबेट है ना, वो इसको ज़रूर ट्रिगर कर सकता है कि कल मैं या मेरी डिपार्टमेंट जो है एक डिफेंसिव पोजीशन पे हो और नी जर्क रिएक्शन में जो है वो कोई जवाबात देने लगे जिसमें जिससे कोई फ़ायदा नहीं, राइट? तो मेरे ख्याल में अगेन ये जो आर्टिकल एक प्रिंट हुआ था ये इसी चीज़ को साबित करता है कि तनकीद मैं भी अग्री करता हूँ कि यहाँ भी होनी चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है कि कौन सी चीज़ें वो बेहतर कर सकता है। लेकिन अगर अनइन्फॉर्म्ड ओपिनियन जो है वो पब्लिक डिस्कोर्स को लीड करेगा तो वो गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग पे गलत प्रेशर डालेगा, जो मैं तो कोशिश कर रहा हूँ और मेरे सारे साथी कोशिश कर रहे हैं कि उसको एब्जॉर्ब करें, लेकिन इट डजंट हेल्प। और ये कम अज़ कम रिस्पॉन्सिबल मीडिया को समझना ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे फ्रैंकली आई एडमायर्ड वो डिसीजन आपका, एंड आई ऑल्सो एडमायर्ड द पर्सन हु वाज़ इन द रॉन्ग। वो जो एक डॉक्टर था उसने थैले शैले पहन के कि मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है, आपने फिर इन्वेस्टिगेशन की और आपने कहा वी डोंट वॉन्ट टू पीनलाइज डॉक्टर्स, अभी ये महाज नहीं खोलते, एंड यू नो वी लेट थिंग्स गो। तो ये जो आपकी थिंकिंग थी, व्हाट गॉट यू टू देयर? पाकिस्तान में हमें सज़ा बहुत पसंद होती है कि इसे कड़ी सज़ा, ये वो, व्हाई डिड यू बक दैट ट्रेंड? जो भी फैसला हम लेंगे फसी, कोई उसकी तनकीद करेगा, कोई तारीफ करेगा। जो थोड़ा सा इसमें एक्सपीरियंस रहा है वो ये कि फैसले तब भी लेने और जल्दी लेने। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पे देखी, लग ऐसे रहा था कि शायद थोड़ी सी कंट्राइव्ड हो। आई थॉट के ऐसे टाइम में ये भी पता था कि बावजूद इसके कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर डॉक्टर के पास पीपी पहुंचे या हम डॉक्टर्स का मोराल जो है वो ऊपर रखें, सिर्फ डॉक्टर्स नहीं पैरामेडिक्स हैं, नर्सेज हैं, कि इसमें गलतियां भी होंगी। और चूंकि 200 मुल्क दुनिया के एक ही वक्त पे वही पीपी ढूंढ रहे हैं कि हर जगह से हमें मिलेगी भी नहीं, लेकिन वो हमारा सिस्टम ऐसे है कि उसमें बहुत से मूविंग पार्ट्स एक वक्त ही है। एक दिन गुजरा, एक दिन बाद पता चला कि जो डिस्ट्रिक्ट का हेल्थ डिपार्टमेंट था उसने इंक्वायरी करके एक्शन रिकमेंड किया था, और वो बल्कि मैंने सोशल मीडिया पे ही देखा, बिकॉज जो हम अथॉरिटी डेलीगेट करते हैं उसमें राइटली ज़िलों को पूछना नहीं पड़ता जब वो ऐसे काम करते हैं। लेकिन जब मैंने देखा, मुझे इमीडिएटली
गट फीलिंग ये हुई कि ये टाइम गलत है, ना तो मैं ये साबित कर सकता हूँ कि डॉक्टर जो है वो सही कर रहा था गलत कर रहा था, ना मैं ये साबित कर सकता हूँ कि डिपार्टमेंट सही कर रहा था गलत कर रहा था, लेकिन ये मुझे अंदाज़ा था कि एक ऐसे टाइम में जहाँ पे हमें पूरे सूबे और पूरे मुल्क के डॉक्टर्स को एक पॉजिटिव मैसेज भेजना था, मैं ये नहीं अफोर्ड कर सकता कि हमारे डॉक्टर्स जो हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं जिन्होंने काफ़ी तकलीफ उठानी होगी लेकिन इस मुल्क को डिफेंड करना होगा, कि उनको गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। एंड सो दैट वॉज अ स्पर ऑफ द मोमेंट डिसीजन। जिस वक्त मैंने देखा विद इन टू आवर्स चीफ मिनिस्टर साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि आपका ये इंस्टिंक्ट बिल्कुल ठीक है, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप एक वीडियो बनाएं और ये पैगाम दें, और वो दिया। उस पर तनकीद भी हुई है, कुछ लोगों ने कहा है कि अगर ये वाकया कंट्राइव था तो एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन ये एक बड़ी अच्छी मिसाल है कि ना तो कोई फैसला परफेक्ट होता है, ना उस पर आप यूनिवर्सल तनकीद या तारीफ एक्सेप्ट कर सकते, लेकिन क्राइसिस में फैसले तो लेने हैं। एक चीज़ जो आपने अभी ज़रा इसका हवाला भी दिया वो ये है कि अमेरिका के अंदर भी बहुत से जो सूबे हैं वो एक दूसरे के साथ प्राइस कंपटीशन में हैं कि पीपीई कम है और लोग कोशिश कर रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट उनसे कुछ कॉन्फिस्केट भी कर लेते हैं। आपने कोई डायरेक्ट रिक्विजिशंस की और क्या वाकई आपने महसूस किया कि ये जो प्राइस बिडिंग है, या हैव वी बीन एबल टू नेगोशिएट आवर गुड रिलेशंस विद वन टू कंट्रीज एंड बी एबल टू गेट देम? देखें, ये याद रखें कि हम कोशिश तो पूरी करेंगे। जब पहली मीटिंग हुई है इस पे, पहली कैबिनेट मीटिंग हुई क्राइसिस के उस मरहले पे जहाँ पे वो क्राइसिस एस्केलेट कर रहा था, और हमने जो डिसीजन लिए वहाँ पे इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट को इन्वोक करने के और स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ बंद करने के, उस वक्त एक पॉजिटिव केस भी केपी में नहीं था, लेकिन वो इसलिए किया क्योंकि इट वॉज क्लियर कि ये इशू तकरीबन दुनिया के हर मुल्क में आना है तो ये करना है। शुरू में चूंकि ये रियलाइजेशन ज़्यादा ग्राउंड में होनी थी, हेल्थ एक डिवॉल्व्ड सब्जेक्ट है तो रियलाइजेशन पहले सूबों में ही होनी थी, राइट। जब रियलाइजेशन हुई तो ऑब्वियसली हर सूबा खुद से जो है वो काम कर रहा था इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द प्रोविंस व्हिच मेक्स इट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। लेकिन जो कि हुआ है ओवर द लास्ट टू वीक्स, जो पिछले दो तीन हफ्तों में हुआ है, इज़ के सूबों की थ्रू द फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी और सूबों के दरमियान भी कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर हुई है। अभी भी बहुत बेहतर हो सकती है बिकॉज इस टाइप का क्राइसिस आता नहीं है, आपको क्राइसिस के दौरान ही अपने प्रोटोकॉल्स बनाने पड़ते हैं कि कैसे ऑपरेट करें। हो सकता है कि ये लंबा क्राइसिस हो, तो उसमें अभी जिस पोजीशन पे जो पार्टनरशिप है इन टर्म्स ऑफ प्रोक्योरमेंट, उसमें सूबे तो अपना प्रोक्योर कर रहे हैं और उसमें कुछ चीज़ें सूबों के अंदर जो है वो मैन्युफैक्चर हो सकती हैं, कुछ बाहर से मंगवानी पड़ रही, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट की भी हेल्प मिल रही है। मसलन आज एक मीटिंग यहाँ पे अटेंड की थी जहाँ पे NDMA और फेडरल गवर्नमेंट तमाम सूबों में अस्पतालों को PPE डायरेक्टली पहुँचाएगी। तो ये याद रखें कि हमारी जो नेचुरल रिएक्शन होती है वो है गलतियाँ पॉइंट आउट करने की, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने बार बार साबित किया है कि जब एक क्राइसिस आता है उस क्राइसिस में हम जो चीज़ टिपिकली अच्छा नहीं करते बहुत बेहतर करने लगते हैं, एंड दैट शुड गिव अस होप कि ऑलरेडी जो है एक ही मीटिंग को प्राइम मिनिस्टर साहब चेयर करते हैं जिसमें PTI के चीफ मिनिस्टर्स भी होते हैं लेकिन जिसमें सिंध का चीफ मिनिस्टर भी होता है, और जो अंदर डिस्कशंस होती है इट्स ऑफ मूविंग द कंट्री फॉरवर्ड, नॉट ऑफ moving any individual provinces forward or a single party forward. अच्छा, एक और सवाल, और वो ये है कि आपने अभी जिक्र किया दैट जब कोई केस डिटेक्ट भी नहीं हुआ था KP में, आपने एक सीरीज ऑफ डिसीजंस ले ली।
अभी हमने ये भी देखिए, मुशरफ ने भी अभी बात की थी कि सम एविडेंस के हमने एक्सपोनेंशियल राइज जो है थोड़ा सा फ्लैटन किया है, बट अगेन एट दिस पॉइंट वेयर हम जरा बेटर ऑफ है, आर यू ऑल्सो देन इन द सेम वे एज बिफोर कन्विंस्ड कि दिस विल राइज, वी जस्ट हैव मे बी अ 4 week ग्रेस पीरियड, कि ये अल्टीमेटली ये बढ़ेगा इन अ फैशन दैट विल मिमिक अदर कंट्रीज? दो तीन चीज़ें मेरे, और एक्चुअली मेरे ख्याल में इस जो हमने बाकी मुल्कों को देखा है, आई थिंक के पूरे मुल्क को तीन चीज़ों के लिए तैयार होना चाहिए। उससे पहले मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगा कि जब हमने पहली कैबिनेट डिस्कशन की ना सोशल डिस्टेंसिंग के मेजर्स पे, तो जो डिस्कशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो हुई। कुछ लोगों ने कहा कि स्कूल बंद करेंगे, इसका पॉलिटिकल कॉस्ट होगा, कुछ लोगों ने कहा कि शादियां वगैरह कैसे बंद कर सकते हैं, राइट? किसी सूबे ने अभी जो है वो नहीं किए, लेकिन आई एम ग्लैड कि मुझे खुशी है कि हमने डिबेट करके वो फैसले लिए, ना सिर्फ ये इसलिए कि उससे एक दो दिन में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा, लेकिन कम से कम मुझे उसने ये बिलीफ दिया कि जो मेरे कॉलीग्स हैं और जो चीफ मिनिस्टर साहब की लीडरशिप है, वो उन फैसलों को लेने के लिए तैयार है जिन जो शायद सूबे के फ़ायदे में हो या मुल्क के फ़ायदे में हो, लेकिन जो पॉलिटिकली आसान फ़ायदे ना हो, पॉलिटिकली आसान फैसले ना हो। मेरे ख्याल में एक तो ये चीज़ ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आपने ये कहा कि आगे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि इस टाइप की सिचुएशन में किसी को सर्टनटी के साथ पता नहीं कि आगे क्या हो सकता है, लेकिन जैसे आपने कहा, हम थोड़ा सा दुनिया को भी देख सकते हैं। बहुत तेज़ी से ये कोरोना वायरस पर रिसर्च भी हो रही है और हमें दो तीन चीज़ें बताती है। पहली चीज़ कि इस वायरस का फ़िलहाल कोई इलाज नहीं, और कि ये बहुत जल्दी फैलता है और एक माइनॉरिटी को 2-3-5-1% लोगों को सीरियसली इफ़ेक्ट करता है, लेकिन चूंकि इतना जल्दी फैलता है वो 2-3-5% लोग बहुत जल्दी हज़ारों लोग बन जाते हैं, जहाँ पे उनका रेट इन्फेक्ट होने का और हस्पताल में जाने का वो तकरीबन हर 4-5 दिन बाद डबल होता है। पहली चीज़ तो हम ये जानते हैं। दूसरी चीज़ हम ये जानते हैं कि इसका शायद फ़िलहाल जो दुनिया के पास वाहिद हल है वो ये है कि चूंकि वायरस टच के साथ फैलता है, तो वो वही दो तीन चीज़ें हैं जो हम सब बार बार कह रहे हैं कि एक दूसरे से फासलों पे रहना है, हाथ साफ करने हैं बार बार, राइट, हाइजीन का ख्याल रखना है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। लेकिन ये सारी जो वो चीज़ें, सोशल इवेंट्स पे नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, घर रहना, ये सारी वो चीज़ें जो हम ट्रेन नहीं हुए इसके लिए, हमने तकरीबन अपनी बिहेवियरल रीवायरिंग करनी है, तकरीबन कम्प्लीटली अपने बिहेवियर को चेंज करना है। दूसरी चीज़ हम ये जानते हैं, ये दो चीज़ें तो शायद पब्लिक भी जान गई है, लेकिन मेरे ख्याल में एक ऐसे सिचुएशन में हमें जो दिखता है वो भी पब्लिक तक पहुंचाना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ हम मेरे ख्याल में क्या जानते हैं, और शायद वो पब्लिक को बेहतर बताने की ज़रूरत है, और वो ये कि याद रखें कि ये काम इतनी अग्रेसिवली पूरी दुनिया इसलिए कर रही है कि दुनिया में कोई भी सिस्टम हेल्थ केयर का ऐसे नहीं जो कि जिस स्पीड से ये कोरोना वायरस फैलता है उसके साथ डील कर सके। हमने इटली में देखा, हमने कोरिया में देखा, हमने अभी न्यूयॉर्क में देख रहे हैं, न्यूयॉर्क से ज़्यादा जो है रिचर स्टेट, रिचर
city perhaps doesn't exist, right? Jitne paise New York ke paas hai, shayad duniya ki kisi sub-national government ke paas na ho. Aaj wo ventilator maang rahe hain baaki America se, China se, aur unko nahi mil rahe. To yaad rakhein ke hum agar puri duniya ka healthcare system iske saath cope nahi kar sakti, to us state mein hamara bhi healthcare system cope nahi kar sakegi. To phir kya humne ji teen cheeze karni hai. Pehli cheez to ye ke 2 hafte, 4 hafte, shayad 6 hafte ye jo social distancing ki muhim hai ye chalani hai us tarike mein chalani hai jo hamari economic situation chhod sake hame chalane ke liye logon ko bahar nikalna bhi hoga lekin jitna hum kam kar sake logon ka ghar se nikalna utna utna shayad hame takleef baad mein uthana kam pade number 1 number 2 ye jo shayad prime minister sahab ne 2 3 hafte pehle ka aur jo duniya aaj keh rahi hai duniya ke sabse reputable jo akhbar hai financial times dekh le new york times dekh le the economist dekh le jo ki keh rahe hain ke developing mumalik ke liye ek catch 22 ek dilemma hai ke zyada nuksan ek lockdown se hota hai ya zyada nuksan jo hai wo virus se hota hai kyunki jo lockdown se jo hamare jaise mumalik mein wo log jinki zindagi day to day hoti hai daily wages se hoti hai dihaadi se hoti hai unki zindagi pe jo impact padta hai it is a real choice कि आपने क्या करना इसकी एक इम्प्लिकेशन है इसकी शायद ये इम्प्लिकेशन नहीं कि आप शॉर्ट टर्म में लॉकडाउन या शट डाउन या स्लो डाउन ना करें क्योंकि वो इंतहाई ज़रूरी है टाइम लेने के लिए लेकिन इसकी इम्प्लिकेशन ये है कि उस टाइम में हमें उस दुनिया की तैयारी करनी है कि जब हम इकॉनमी को दोबारा से ठीक तरीके से चलाने की कोशिश करें तो उसमें कौन से वो प्रोटोकॉल्स होंगे कौन से वो एसओपीज होंगे कौन से वो बिहेवियरल चेंजेस होंगे जो लोगों को अपनाने पड़ेंगे ताकि वो वायरस भी शायद इतनी जल्दी ना फैल सके और लोगों की जिंदगियां भी कंटिन्यू करें और कारोबार भी कंटिन्यू करें तैमूर ये बड़ा एक दिलचस्प एक डिबेट है जो चल रही है पाकिस्तान में बड़े जोर शोर से चल रही है और एक्चुअली जब हम बात करते हैं डिबेट की एक दिल का हिस्सा ये चाहता है कि वाकई बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना चीज़ें होती हैं हमारे मीडिया में इसमें कोई दो राय नहीं लेकिन अगर दूसरे जाविये से देखें तो ये बड़ी एक सोफिस्टिकेटेड डिबेट है जो पाकिस्तान में कई दिन से चल रही है और जिसमें ज़ाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो नंबर वन सच टारगेट हैं जो उनको होना भी चाहिए क्योंकि वो वजीर आजम हैं तो वो एक तरह से हम सब की बेहतरी या बदी जो भी है वो उसकी एटलीस्ट सम मोडिकम ऑफ जिम्मेदारी उनकी बनती है लेकिन आपका जो रवैया या और आप ही की बात करते हैं मैं जो है इस शुरू से ये सोच रहा हूँ कि क्यों तैमूर झगड़ा जो है उनका वो इतने जिम्मेदारी से किस तरह इससे डील कर रहे हैं और बाकी सब भी ठीक कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर भी ज़बरदस्त काम कर रहे हैं सिंध में ज़बरदस्त काम हो रहा है पंजाब में हो रहा है जाम कमाल अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन इट जस्ट स्ट्रक मी जब आप बात कर रहे थे कि शायद एक बड़ी वजह यह है कि आपकी जिम्मेदारियों में जो इक्तसादी या मोर राइटली जो मईशी रोल है एज फाइनेंस मिनिस्टर वो भी शामिल है और जो सेहत से मुंसलिक जो रोल है एज हेल्थ मिनिस्टर वो भी शामिल है आई एम नॉट श्योर कि किसी और इंफरादी शख्सियत के पास ये दोनों जिम्मे सूबाई लेवल पे या फेडरल लेवल पे हैं लेकिन ये जो टेंशन है या जो कन्वर्जेंस है To what extent have you found it to be useful in your own understanding and your conduct of business for Khyber Pakhtunkhwa
And to what extent has the tension caused you to almost be conflicted about decisions? मेरे ख्याल में convergence है, tension नहीं है. Okay. और convergence इसीलिए है क्योंकि दोबारा से मैं कहता हूँ ये उतना ही ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है और उतना ही ये एक इकोनॉमिक मसला है जितना ये एक हेल्थ का मसला है. क्योंकि अगर हम ये माने अनलेस अल्लाह की तरफ से और हमें अल्लाह को दुआ करनी चाहिए, हम मुसलमान हैं, हमें यकीन है कि जो भी आता है वो अल्लाह की तरफ से आता है, लेकिन जो साइंस हमें बताती है वो ये कि ऐसे वायरस जल्दी जाता नहीं है, और अगर जाता नहीं है तो ये बहुत जल्दी वन वे और द अदर एक इकोनॉमिक मसला बन जाएगा. और इकोनॉमिक मसला इसलिए बन जाएगा क्योंकि व्हाट इज़ ऑलरेडी क्लियर इज़ के पूरी दुनिया एक रिसेशन में जाएगी, जिससे पूरी दुनिया इफेक्ट होगी, जिस रिसेशन से पाकिस्तान भी इफेक्ट होगा. नहीं, लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट है वो मैं बजिद हूँ कि जितना भी कन्वर्जेंस हो कोई ना कोई जो है इसमें कॉन्फ्लिक्ट भी है. मैं आपको एग्जांपल दूँ, आने वाले दिनों में बजट बनेगा एंड ऑब्वियसली वहाँ पे टेंशन डेफिनेटली डिपार्टमेंट लेवल पे ये होगी कि पब्लिक हेल्थ वाले जो हैं वो राइटली क्लेम करेंगे कि प्रोक्योरमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज शुड बी नंबर वन. लेकिन गिवन के जॉब्स इन पर्टिकुलर एंड ग्रोथ मोर जनरली इतना बड़ा फोकस है, फेडरल हुकूमत ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे एक वो पूरा पैकेज भी ऑफर किया, उस पर अगेन उस पर बहुत तनकीद जो है हो रही है क्योंकि मेरे व्यू में वो ठीक तरह प्रेजेंट नहीं किया गया. मुझे ये समझ आई है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए इसलिए अभी पैकेज आया है कि इससे जॉब्स क्रिएट होती हैं, स्पेशली लो स्किल्स लेबर के लिए, जो सबसे डेली वेज लेबर, वो वाला तबका जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा COVID-19 से इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से. अब ADP में कंस्ट्रक्शन पे जोर किसी ना किसी तरह डालना भी ज़रूरी होगा, और ADP में जितनी नई जो है फैसिलिटीज़ डेवलप होंगी पब्लिक हेल्थ के एंगल से वो भी उसी में होंगी. तो क्लियरली एंड अगेन आई डोंट नो कि प्लानिंग डिपार्टमेंट आपके जिम्मे है या नहीं है, लेकिन एज फाइनेंस मिनिस्टर एंड हेल्थ मिनिस्टर क्लियरली एंड श्योरली दिस कॉन्फ्लिक्ट इज कमिंग इफ इट इजंट ऑलरेडी देयर. सो आई जस्ट वांट यू टू कमेंट ऑन हाउ यू विल सीक टू रिजॉल्व दैट. मैं दोबारा से कहता हूँ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है. आई थिंक जब आप ओवरआर्चिंग तरीके में, यानी कि थोड़ा सा पीछे हट के पूरी तस्वीर को देखने की कोशिश करते हैं, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं यू वांट टू सी द बिग पिक्चर, तो आप वो फैसले बेहतर तरीके से कर सकते हैं. जेन्युइनली मैं कह रहा हूँ कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली नहीं है. इनफैक्ट आपको हमेशा एक दो लोग चाहिए जो कि वो अपॉर्चुनिटी देखें, अपॉर्चुनिटी देखें कि उसी पैसे का वाइज जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कॉन्फ्लिक्ट एज फाइनेंस मिनिस्टर ही होता है कि पैसों की ज़रूरत हर जगह पे होती है, लेकिन कहाँ पे एक्चुअली ज़्यादा है. और ये तो एक ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ आपको यही दो तीन चीज़ें बैलेंस करनी होंगी. जो पैसे कोविड कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए चाहिए होंगे वो तो होंगे, लेकिन उसी मुकाबला करने के लिए जो पैसे मईशत चलाने के लिए चाहिए होंगे वो भी प्रायोरिटी होंगे. जो चैलेंज होगा वो होगा कि अगर टैक्स कलेक्शन मुतासर होती है, अगर गरीबों को एक पैकेज देना है जो कि देना है, तो पैसे निकालने कहाँ से, राइट? अखराजात कहाँ कम करने हैं, राइट? बट मेरे ख्याल में ये तो एक मुल्क की तारीख में जब ऐसे मौका आता है तो इट्स टाइम दैट लीडर्स स्टैंड अप एंड इट्स टाइम दैट कंट्री स्टैंड अप एंड डिफाइन एंड डू द राइट थिंग, कि हम वो चीज़ें करें जो शायद हमें पहले करनी चाहिए थी, मुश्किल फैसले लें.
क्योंकि मुश्किल टाइम में मुश्किल फैसले लेके ही आगे बढ़ा जा सकता है. तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, क्योंकि इट्स नॉट कि मैं हेल्थ के लिए पैसे मांगूंगा. मैं जो है ऑन द वन साइड देखूंगा, मुझे हेल्थ के अंदर बहुत से वो प्रोजेक्ट्स देखने पड़ेंगे जो कि नॉर्मल टाइम्स में तो शायद सही हो, लेकिन ऐसे टाइम में हर जो पैसा, हर रुपया जो हम इस्तेमाल करेंगे, हमें वो देखना पड़ेगा कि विद इन द लिमिटेड रिसोर्सेज जो हमारे पास महदूद वसाइल हैं, उनमें वो जवाब बनता है या नहीं. तो एक्चुअली देयर इज अ सिनर्जी, आई थिंक देयर इज अ सिनर्जी, यू विल बी एबल टू मेक द कॉल इन द इक्विलिब्रियम. दैट्स ग्रेट. आई थिंक देयर इज वन मोर पर्सन हु इज बोथ फाइनेंस मिनिस्टर एंड हेल्थ मिनिस्टर. हु इज दैट? प्राइम मिनिस्टर. He doesn't have ministers for both these areas, so it falls under his jurisdiction. But he has special assistants who are very competent. But it's still under him. He's the health minister. Well, but in that way, the prime minister is the, if not the minister of every department, but wo har ek department ko oversee karta hai. Uska kaam hi hai. Yeah. I think that's a little bit of. Nee, but this is just a technical thing on this because I. Ye technical cheezon mein hum apne aap ko marwa dete hain rather than actually looking at what happens on the ground. Mujhe lag raha hai Fasi aapko shayad abhi daant padi. Acha, you know. Ye to masla hai na ki ye har criticism ko samajhte hain ki ye koi. Yeah, but. Ye to khair abhi fact hai na. Fact is harder to put down. Haan, but haan. But I think that ye jo. So not necessarily agreeing with Taimur, but yeah. I think ये जो fact establish करने वाला scene है, मुझे लगता है कि ये corona और covid ये जो crisis है इसके दौरान probably इस पे कोई different tack हमें शायद adopt करना पड़े, because I don't think आपने एक बड़ी जबरदस्त बात अभी जो सवाल था आपका कि अभी वो जो emotional appeals है ना media पे वो actually भी शुरू नहीं हुई है. बस ये वो शुरू होंगी जब अमवात का जो क्वांटम है ना दैट एस्केलेट्स बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द हॉस्पिटल टू प्रोसेस. एंड अल्लाह ना करे वो दिन आए, ऑब्वियसली हम सब दुआ ये कर रहे हैं कि वो हो, जो इटली में हुआ वो यहाँ हो ही ना. लेकिन अगर जो इटली में हुआ वो यहाँ हो रहा है, तो एक टाइम आएगा कि चैनल्स पे आप हार्ड कोर इमोशनल अपील्स देखेंगे इस नौयत की कि I think the debate at that point will be channels ban karein ya chalta rehne. I really think we are headed there. So I think we haven't seen anything yet as far as. अच्छा इसमें वैसे एक चीज है and वो ये है कि in times of crises like these, right? एक तो misinformation होता है, लेकिन ये जो किस्म का emotionality है ना, it will be a bit different in this case because if you are watching your parent या जो भी है and they're suffocating to death effectively, ठीक है ना, and because there are limitations of the state, aap agar us articulation ko band kar de, that becomes a tinder box. To thoda I think one of the jobs of the state will also be, and I think politicians are good at this at some level, you have to just hear it out, and that helps. So that is going to be something. I mean, I think you're talking more in terms of the anchors who do it, but unka ek काम भी है, whether they do it right or not, they're a conduit of some of the sentiment. They're also human beings. Yeah. What I'm trying to say is, अगर anchor वो emotional appeal करता है, तो वो ड्रामेबाजी नहीं कर रहा, वो actually महसूस कर रहा है. And the issue is कि government उसको suffocate नहीं करना चाह रही, लेकिन government ये नहीं चाहती कि एक show के बाद लोग जो है वो PIMS पहुंच जाएं या polyclinic पहुंच जाएं और उधर जो है चीजें तोड़ना शुरू कर दें. So I mean again. Within the KP, I guess, just to bring it back to Taimur in terms of his specific challenge, मैं तो actually opportunity की तरफ जाना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि ये छिड़ गया, कितना आपको खदशा है या डर है कि अस्पतालों की जो कैपेसिटी है जब वो ब्रीच होगी, जो जो उनकी कैपेसिटी का लेवल है, तो उसके बाद आप किस तरह मैनेज करेंगे ट्रैफिक और केस लोड को? देखें उसमें सबसे पहले तो यही है जो हम अभी मीडिया की बात कर रहे थे. और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो मेरी बिलीफ है कि हम क्राइसिस में तनकीद करते करते भी मुतहद हो जाते हैं,
मेनस्ट्रीम मीडिया की टोन में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने एक फ़र्क महसूस किया है, एक सिग्निफिकेंट फ़र्क महसूस किया है, जहाँ पे जितने भी रिस्पॉन्सिबल एंकर्स हैं उनकी एक नैरेटिव की शिफ्ट हुई है टुवर्ड्स ट्राइंग टू बोथ एजुकेट द पब्लिक एंड रियलाइज के एक सूबाई हुकूमत की कंपटीशन दूसरी सूबाई हुकूमत से कराने में किसी का फ़ायदा नहीं है। तो पहली चीज़ जहाँ पे तनकीद भी होती है, और फसी ने कहा कि यू नो हम जो है बहुत सेंसिटिव हैं तनकीद को, मैं तो एक्चुअली कह रहा हूँ, मैं रिकग्नाइज़ कर रहा हूँ कि बहुत से ऐसे एंकर्स जो कि एंटी पीटीआई समझे जाते हैं, उन्होंने हमारे साथ अपना रवैया चेंज किया इन व्हाट आई वुड परसीव एज द नेशनल इंटरेस्ट। आई थिंक दैट्स वर्थ रिकग्नाइजिंग बिकॉज दैट इज़ द राइट थिंग टू डू, द रिस्पॉन्सिबल थिंग टू डू। आई थिंक जो हम मिस करते हैं इस पे वो ये है कि फिलहाल देर इज़ वन थिंग, एक चीज़ है जिसकी नीड ट्रंप करती है बाकी हर चीज़ को, और वो है पब्लिक को एजुकेट करना, उनका बिहेवियर चेंज करना। बहुत से लोग कह रहे थे कि ये लॉकडाउन या शटडाउन काम नहीं कर रहे, इट्स वेरी क्लियर, अभी गूगल के स्टैटिस्टिक्स भी प्रिंट हुए हैं, आप हाँ जी ट्रैफिक कम हुआ है, आप वो ड्रोन से हवा से भी तस्वीरें देखें तो आपको पता चलता है कि कितना ट्रैफिक कम। आप तो गए, आप तो मैं गया था, स्वात गया था, वापसी में आते हुए जो देखा वो थोड़ी सी मोटिवेशन और बिलीफ ज़्यादा हुई। तो वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक फेज़ तो हो गया, लेकिन ये हम सब मानते हैं कि जितनी रिस्ट्रिक्शंस हमने डाली है इससे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हम डाल नहीं सकते। यहाँ पे लोगों के पास घरों में तीन तीन चार चार हफ्तों का स्टॉक होता नहीं है, उनको हर रोज़ बाहर जाके दुकान से कुछ लेना पड़ता है। लेकिन जो उससे ज़्यादा बिहेवियरल चेंज है कि जब लोग बैंक जाएं तो वो लाइन बना के जाएं, जब वो बाहर जाएं तो वो बाज़ारों में एक दूसरे के साथ गपशप लगाने के लिए ना बैठे, राइट, कि जो बाकी जो बिहेवियरल चेंज है वो अवेयरनेस से ही आएगी, पब्लिक उसी चीज़ को रिएक्ट करेगी जिसके बारे में उसको पता होगा, राइट। और आपका एक एक मिनट या तो इनफैक्ट इंटेलेक्चुअल डिबेट पे जा सकता है या वो उन इश्यूज पे जा सकता है जो कि शायद डिटरमिन करे कि चार हफ्ते बाद यहाँ पे इटली जैसी सिचुएशन हो या सिंगापुर या कोरिया जैसी सिचुएशन हो जहाँ पे हम कंट्रोल कर सकें। और ये भी एक फैक्ट है, जो भी हम कहें कि ना तो हमारा हेल्थ सिस्टम इटली या साउथ कोरिया के बराबर है, और सिर्फ पख्तूनख्वा में नहीं पूरे पाकिस्तान में, ना ही वो बाकी तो छोड़ें कि ईरान के बराबर है। ये मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ, इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी जो आमदन है वो ईरान से भी तकरीबन उनका दसवां नहीं तो पांचवा हिस्सा होगी, हमारी जो लिटरेसी रेट है वो ईरान से तकरीबन आधी, उनको तो हम दो हफ्तों में चेंज नहीं कर सकते। सो दैट इज़ वेयर एवरीवन नीड्स टू डिसाइड कि अगर उनकी आवाज़ है और उनकी आवाज़ पाकिस्तान में पहुंचती है तो वो उस आवाज़ को फिलहाल किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। आई वॉन्ट दिस टू सिंक इन, आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट दिस सिंक्स इन। मैं भी बहुत लोगों की तनकीद भी कर सकता हूँ, मैं मुझे कोई शौक नहीं है फिलहाल टीवी पे आने का, मुझे कोई शौक नहीं है कि फसी ने शुरू में कहा कि मेरी रेप्यूटेशन बन रही है नहीं बन रही, खुदा न खास्ता अगर चार हफ्ते बाद सिचुएशन और तरक्की होगी, राइट, तो क्या फ़र्क होगा कि मैं दो टीवी शोज पे आया या ना आया। आई थिंक दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आपके सवाल पे आते हुए विच सीम्स टू बी लॉस्ट अ लिटिल बिट बट वॉज कि कैसे मैनेज करेंगे, पहली चीज़ तो ये कि ये जो लॉकडाउन का पीरियड है इसमें लोग वो कहें जो हम कह रहे हैं और उसमें आप सब हमारा हेल्प कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि उन्हीं चार हफ्तों में हम कोशिश ये करें कि जहाँ तक मुमकिन हो हम अपनी कैपेसिटी बनाएं कि जो केसेस हॉस्पिटल में आएंगे या आइडियली हॉस्पिटल में नहीं आएंगे उनके लिए अपने सिस्टम्स ठीक करें, दुनिया में कहीं भी ठीक नहीं है, हमने वो काम करना है चार हफ्तों में आठ हफ्तों में जो कि दुनिया
سالوں میں کرتی ہے. آپ نے اس پہ ایک جو اقدام لیا ہے, میں چاہوں گا ذرا جی اس کے بارے میں بتائیے گا. یہ جو ریپڈ ریسپانس ٹیمز کا انسٹرومنٹ ہے, ویری کوئکلی تین چار اقدام لیے. ریپڈ ریسپانس کا سسٹم یہ ہے, پہلے فیز میں ہم کوئی 500 ٹیمیں بنائیں گے. 50 ٹیمز آلریڈی بن چکی ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں, جو کہ کرنٹ کیس لوڈ کو اٹھا رہی ہیں, کانٹیکٹس کو ٹریس کر رہی ہیں. لیکن 50 سے 500 کرنی ہے, کیونکہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیسز زیادہ ہوں گی. آپ کے 34 اضلاع ہیں, 34 آلریڈی آپ کے سارے اضلاع میں, سارے اضلاع میں ریپڈ ریسپانس ٹیمز ہیں. اور جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز ہیں ڈی سیز وغیرہ کے ساتھ, وہ انہوں نے صوبائی گورنمنٹ کا بھی ویٹ نہیں کیا. جتنا بہترین کام ان کو کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے, مجھے ایک اور رے آف ہوپ, امید کی لہر آئی ہے کہ ہمارے فیلڈ میں وہ کیپیسٹی ہے کم از کم کرائسس رسپانس کے حد تک جو کہ واقعی از کمینڈیبل. تو یہ ریپڈ رسپانس ٹیمز کا مقصد یہ ہے کہ ہر کیس کو یہ گھر میں دیکھے, کیونکہ اگر ہزاروں کیس ہوں اور وہ سارے ہسپتالوں, اور اگر جیسے اٹلی یا نیو یارک یا فرانس یا دنیا کے ہر ملک کی طرح ہزاروں کیس دن میں آئیں, تو ان کو ہم گھروں میں ڈیل کریں. لیکن ایک ایسے سسٹم کو اس سکیل پہ بنانے کے لیے 3-4 ہفتے تو چاہیے ہوں گے. پھر ہم اور کر رہے ہیں, کیپیسٹی کیسے بنائیں گے. ہم نے 2 دن پہلے کیبنٹ سے اپروو کرایا ایک لوکم اسکیم, جس میں ہم ڈاکٹرز, اینستھیزسٹس, فارماسسٹس, ٹیکنیشینس, پیرامیڈکس, نرسز, ان سب کو صرف پورے پختونخوا سے نہیں پورے پاکستان سے آفر کریں گے. ہمارے ساتھ رجسٹر کریں, جہاں بھی ہمیں ضرورت ہو ہم آپ کو بلائیں گے, آپ کو لیں گے. بیکاز ہو سکتا ہے کہ جتنی ہمارے ہیلتھ کیئر کی لوگوں کی کیپیسٹی ہے اس سے کافی زیادہ چاہیے. ہمیں اپنے ٹیسٹنگ کی کیپیسٹی بڑھانی ہے, کیونکہ اسی مہینے میں ہم نے معیشت کو چلانے کے سارے اقدامات لینے, ایس او پیز بنانے ہیں کہ جب لوگ واپس انڈسٹری میں جائیں اگر یہ وائرس پھیلے تو, جیسے اگر ہم 3 پہلے ملتے, ہاتھ ملاتے, ایک دوسرے کے قریب بیٹھتے, ایک فریم میں بیٹھتے, جو ہم نہیں بیٹھ رہے. اسی لیے نہیں بیٹھ رہے کیونکہ دنیا 2-3 ہفتوں میں کسی حد تک بدل چکی ہے. تو یہ سارا کچھ کرنا ہے 3-4 ہفتوں میں کرنا ہے. آئی نو کہ جو جذبہ میں نے دیکھا ہے اپنی ایڈمنسٹریشن میں, ہیلتھ کیئر فورس میں, جو لیڈرشپ میں نے دیکھی ہے, جتنا چیف منسٹر صاحب نے امپاور کیا ہے اور جتنے مشکل فیصلے دیکھے ہیں, جو بیلنس میں نے دیکھا ہے پرائم منسٹر صاحب سے, کہ وہ ایون تنقید کو برداشت کرتے ہوئے وہ باتیں کہہ رہے تھے 3 ہفتے پہلے, اور ہمیں ان باتوں پہ سوچنے پہ مجبور کیا. کہ ان اے وے جب لاک ڈاؤن ایک فیشن آ گیا تھا, انہوں نے کہا کہ صرف لاک ڈاؤن کا نہیں سوچنا, لاک ڈاؤن کے افیکٹس کا بھی سوچنا ہے, لوگوں کی آمدن کا سوچنا ہے, ان غریبوں کا سوچنا ہے جو کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھوک سے مارے جائیں گے. تو یہ کچھ تو ہم نے 2-3 ہفتوں میں کر لیا, کچھ 3-4 ہفتوں میں کر لیں گے. لیکن باقی ہمیں اس کے لیے بھی تیار رہنا پڑے گا کہ مشکل حالات آتے ہیں, اور مشکل حالات میں ہمیں گورنمنٹ کو نہیں ایک دوسرے کو سہارا دینا پڑے گا. اور جو آپ نے شروع میں کہا کہ جو میرا رول ہے وہ میرا رول, میں اس کو نہیں مانتا, لیکن جو گورنمنٹ کا رول ہے وہ ہمارا رول جو ہے, وہ ایسے ٹائم میں حالات جو بھی ہوں ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم عوام کو لیڈ کریں اور وہ فیصلے کریں, چاہے وہ مشکل ہوں یا آسان ہوں. جو اس وقت میں میرے خیال میں, گورنمنٹ کی خیال میں, صوبے کے, ملک کے فائدے میں ہو. میری طرف سے آخری سوال بفور میں بھی آپ پھر جو ہے اپنی طرف سے بھی کر لیجیے گا فصیح, لیکن میرا جو آخری سوال تھا وہ یہ تھا تیمور, کہ کس حد تک آپ, ایک بڑی عجیب سی بات ہے اس لیے میں ہچکچا رہا ہوں کرتے ہوئے, لیکن مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ یہ جو موقع ہے اللہ کرے گا کہ ہم اس سے نکل آئیں گے, انشاءاللہ ہم نے نکلنا ہی ہے, اللہ کرے جلد نکل آئیں اور بہت زیادہ ہم بات نہ ہو, بہت زیادہ ڈیمیج نہ ہو.
लेकिन ये जो एक सर्ज है पब्लिक हेल्थ में जो इंटरेस्ट हुआ है हम में से बहुत सारे लोगों को बड़ी जल्दी पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट बनने की एटलीस्ट कोशिश जो है लोगों ने की है लेकिन हुकूमत के अंदर रियासत के अंदर पब्लिक हेल्थ कैपेसिटी जो है वो बड़ी तेज़ी से मैसिवली एक्सपेंड कर गई है इस वक्त वो इमरजेंसी के लिए है क्या ये उम्मीद मैं रख सकता हूँ कि इमरजेंसी तो डील हो जाएगी लेकिन ये जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है ये परमानेंट एक फीचर बन सकेगा पाकिस्तान में मैं सिर्फ आपकी हुकूमत की बात नहीं कर रहा पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा आई वुड हैव होप कि सिर्फ पब्लिक हेल्थ में नहीं कि अगर हमारा साल 6 महीने 3 महीने जितना भी हो मुश्किल गुजरे कि हम कम से कम ये एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस फैसले लें कि सिर्फ पब्लिक हेल्थ से नहीं लेकिन जो भी हमने अपनी फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में स्पेंडिंग में अपने इकोनॉमिक मॉडल में जो करेक्शंस करनी है वो हम करें क्योंकि अगर हम ये चाहें कि ऐसे वक्त में भी हम वो मुश्किल फैसले ना करें कि हम नए हस्पतालों में नहीं सिर्फ तख्ती लगाने के लिए नहीं लेकिन एक्चुअली जो हमने 70 साल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है उसको उससे अभी डिलीवरी लेने की तरफ ले जाएं अगर हम अभी ये ना देखें कि पहले हम 10 रुपये में 2 या 3 रुपये जो है वो वैसे ही खर्च करने के लिए तैयार थे अगर अभी हम 7 या 8 रुपये को सही तरह से इस्तेमाल ना करें तो आई वुड बी वेरी डिसअपॉइंटेड मुझे मायूसी होगी कि ऐसे हालात में तो अगर हम वो करें अगर हम एक कौम बन जाए अगर वो स्पिरिट आ जाए जो हमेशा मुश्किल हालात में आता है मैं इसको एक जंग तसव्वुर करता हूँ तो अगर हम और जंगों में कौमें बनती हैं मुतहिद होती हैं एक डायरेक्शन हम अपना सकते हैं जो कि हम नॉर्मल हालात में ना करें तो उससे सिर्फ हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम नहीं हमारा पूरा गवर्नेंस सिस्टम चेंज हो सकता है एंड आई थिंक ये मेरे ख्याल में दिस इज समथिंग दैट आई वुड होप कि जिस पे हम पे मीडिया भी प्रेशर डाले तनकीद भी करे और पॉइंट आउट भी करे अगर कोई भी गवर्नमेंट चाहे वो पीटीआई की हो या चाहे वो और जो गवर्नमेंट्स हैं वो यहाँ पे उंगली ज़रूर उठाए बिकॉज ये हमें करना चाहिए और इंशाल्लाह आई नो के अंडर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये करेंगे ठीक सो आई जस्ट लाइक टू थैंक यू वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द आवर थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम कुछ आखिरी अल्फाज अगर लोग सुन रहे हैं केपी में और उनकी एंग्जाइटीज़ हैं या अगर इन्फेक्शंस बढ़ जाएं आप क्या उनको कहना चाहते हैं हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे उससे भी ज़्यादा करेंगे वाहिद चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ये नॉर्मल हालात नहीं है नॉर्मल हालात में हमारा और पब्लिक का रिश्ता और है हमारा और अपोजिशन का रिश्ता और है हमारा और मीडिया का रिश्ता और है अभी फसी ये जो कोरोना वायरस है अगर ये बोरिस जॉनसन यूके प्राइम मिनिस्टर और आम शहरी में फ़र्क नहीं करता तो ये मेरे और आप में भी नहीं करता ये मीडिया और अवाम और हुकूमत और अपोजिशन में भी नहीं करता वी आर इन द सेम बोट एक ही किश्ती में सवार है हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे मेरे ख्याल में जो हमारे साथ पूरे मुल्क को करना है इसके तकलीफ में जैसे हम एक दूसरे को सहारा देते हैं अभी इस कौम को एक दूसरे को सहारा देने की ज़रूरत है ताकि ये जो चैलेंज है ये हमारे लिए आगे बढ़ने का एक मौका बन जाए जैसे मुशर्रफ ने कहा इंशाल्लाह इससे तो हम निकलेंगे लेकिन आई होप कि इससे निकलते हुए हम कुछ सीखें और वो हम तब भी सीखेंगे जब मैं और आई नो कि हमारी सारी गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर साहब से लेके प्राइम मिनिस्टर साहब से शुरू करके कोशिश कर रही है कि
जितनी ट्रांसपेरेंटली कम्युनिकेट कर सके वो करें. आई जस्ट होप कि अगर पब्लिक उस स्पिरिट को एक्सेप्ट करे तो इसका मुकाबला बेहतर हो सकता है, हम आगे बढ़ सकते हैं. और अगर लास्ट चीज़ जिस पे शायद ये एंड करना मुनासिब है, एक जंग में हम अपनी अफवाज को याद करते हैं, बाय द वे इसमें भी उनका एक रोल है, लेकिन इसमें एक्चुअली जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, वो डॉक्टर्स, वो पैरामेडिक्स, वो नर्सेस, रेस्क्यू स्टाफ, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, जो कंटिन्यूसली फ्रंट लाइन में होंगे, जिसमें शायद कोई ना कोई इन्फेक्शंस भी हों, वो भी आए, उनको याद रखना चाहिए, उनका मोराल हाई करना चाहिए, और उनको भी पता होना चाहिए कि दी एंटायर नेशन, पूरा मुल्क उनके पीछे खड़ा हुआ भी है, उनके लिए कोशिश भी कर रहा है, और उनसे तवक्को भी कर रहा है दैट दे विल लीड द फाइट फॉर दिस वॉर ऑन अस, फॉर अस. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. आई एम श्योर एवरीवन विल बी very moved by that, and we come to the end of this, and thank you for taking the time, Mosharraf. Thank you for joining us, Minister Taimur Khan Jhagra. Thank you, Fasi, for hosting so eloquently, and we look forward to continuing the conversation. Inshallah, things will get better.